सादर प्रणाम। गायत्री उपासना द्वारा मनुष्यर बुद्धि शुद्ध हुए। जहार बुद्धि शुद्ध हेब तहार जीवन में अनेक असुविधा सहजरे समाधान होगा अधिक समय लगे ना। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक नाम सुख और शांतिदायिनी गायत्री। पुस्तक परिचय। आमे समस्ते सुख एवं शांति खोजती। प्रस्तुत पुस्तकर शीर्षक देखि मनरे एक प्रश्न आसे कि एक मंत्र आमको सुख शांति क्यों प्रकार प्रदान करे। गायत्री उपासना रे मनुष्यर शरीर रे एवं मनरे निवास करुथिबा श्री तत्व बढ़े जहाद्वारा तहार क्रिया चेष्टा बाणी विचारधारा दृष्टि तथा कल्पना शक्ति रे एपरी वृद्धि आरंभ हो जाए कि सांसारिक व्यवहार रे कम रु कम हानि उठाई से अधिकरु अधिक लाभ प्राप्त करि पारे। गायत्री उपासना द्वारा जेउठारे आध्यात्मिक लाभ हुए सेठारे मूल रूपरे सांसारिक अभाव एवं कष्ट मध्य दूर हुए। गायत्रींकर प्रकृत उपासकर आशीर्वाद मध्य अनेक थर भगवानंक कृपा समान सुख समृद्धि देवापरि सिद्ध होइथाय। प्रस्तुत पुस्तकरे गायत्री उपासनार अगणित उदाहरण अछि जेउथिरे ध्रुव राजा नृग नरसी भगत निर्धन सुदामा आदि अनेक भक्त अछन्ति जेउमानंकु प्रभुंकर अनुग्रह एवं आशीर्वाद मिलछि। आमर भावना सत्य एवं उपासना विधिपूर्वक हुए तो माँकर कृपा एही दुईटी हेतु मुख्य अटे। पुस्तकर किछि प्रश्न। मनुष्यर शरीर एवं मन मध्यरे थिबा श्री तत्व किपरि बढ़े। गायत्री उपासना द्वारा कौन कौन लाभ हुए। महात्मा मगनानंद जी किए थिले। गायत्री मंत्र द्वारा सुख शांति किपरि मिले। एही सबु प्रश्नर उत्तर नहीं आपणक समक्ष रे एक छोट पुस्तक अछि जेउथिरे कुहा जाइछि जे जेउ प्रकार सत्यनारायण व्रतर महात्म्यरे सतानंद ब्राह्मण काठ विक्रेता साधु वैश्य लीलावती कड़ावती तुंगध्वज आदिंकु नारायणक कृपारु श्री समृद्धि प्राप्त होइछि। ठीक सही प्रकार गायत्री उपासनारु मनुष्यर अनेक कठिनता समाधान होइथाय। पुस्तकर किछि अंश। गायत्री उपासना एक प्रकार आध्यात्मिक व्यायाम अटे जहार परिणाम जीवन शरीर को पुष्ट बलवान एवं सुव्यवस्थित बनाए। सद्बुद्धि एक शक्ति अटे जे जीवन क्रम को बदलाई दिए से ही परिवर्तन सह मनुष्यर परिस्थिति मध्य बदली जाए। गायत्री साधन रे उपासनार स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। यही मार्ग रे चलिले आत्मा को शांति तो मिले ता संग को सांसारिक अभाव तथा आवश्यकतार पूर्ति मध्य हुए। जेउ प्रकार राजा दिलीप गौसेवा गायत्री उपासना करी राजा दशरथ पुत्रिष्टि यज्ञ करी और राजा अश्वपति संतान प्राप्ति गायत्री आश्रय नेबार होला ठीक से ही प्रकार गायत्री उपासना करुथिबा प्रत्येक लोकर इच्छा पूर्ण हुए। गायत्री उपासक जेउ प्रकार आध्यात्मिक सुख शांति रे परिपूर्ण रहंती सेहिपरि सांसारिक सुख शांति रे मध्य अभाव रहे नाही। सद्बुद्धि एवं सुमति मिलिबा कोटिए टंका ठारु अधिक शांतिदायक अटे। भगवान निर्बलर बड़ अटंती। हाथी को कुंभीर कबड़ रक्षा करिबा द्रौपदीर लाज रक्षा करिबा बिलेर पिला को कुंभार भाटी जीवित बाहर करिबा भरदुल पक्षीर अंडा को महाभारत युद्ध रे गजखंड ठारु बंचाइबा भगवान शक्तिर नाम ही गायत्री अटे। ताकु जे प्राप्त करिनिए से अरक्षित रहे नाही। कुहा जाय अछि कि भगवान जहाँ उपर प्रसन्न हुंती से सद्बुद्धि प्राप्त करती। पारसमणि को पाई तहार चतुपार्श्वरे लुहापरी कलुषित वस्तु तथा परिस्थिति सुनापरी बहुमूल्य शोभायमान बनी जाए। रेडियोर चाबी को बुलाइले किसी अन्य कार्यक्रम शुणा को मिले ठीक से हीपरी कुबुद्धि चाबी को सद्बुद्धि आड़क बुलाइले प्रथम अप्रिय गीत बंद हो मंगलमय जीवन सन्देश शुणा को मिले। जेपरी गहमर चाष करिबा द्वारा धनराशि तो मिली जाए ता संग को चोपा एवं घासपत्र मध्य मिली थाए ठीक से ही प्रकार माता कृपार मनुष्यर जेउठारे आत्मकल्याण हुए सेठारे ताकु सांसारिक सुख शांतिर मध्य अभाव हुए नाही। लेखकंक विषय रे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सुधारक महान गायत्री साधक जुग निर्माण योजनार सूत्रधार एवं वैज्ञानिक आध्यात्मवादर प्रणेता हेबा सह विशिष्ट साहित्य स्रष्टा अटंती। से 3200 रु अधिक पुस्तक रचना करिसंती। धन्यवाद।